सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री। खाने से पहले सबको रोक देती हूँ, खाऊंगी मैं वीडियो बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो यहाँ लेकर आई थी मेरी सिस्टर सवैया बना के, और यहाँ मैं भाई के साथ तफरी कर रही थी, क्योंकि मैंने उनको रोक दिया था कि अभी मत खाएं, मैं वीडियो बनाऊंगी। ऐसे बहुत सारे पागल लोग होते हैं मेरी तरह, जो सेल्फियाँ लेते हैं या पिक्स लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे पिक्स लगाते हैं, रोक देते हैं खाने के लिए। बट मेरा ये है कि मैं वीडियो बनाने के लिए रोक देती हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं जब से ही ऐसी पागल हूँ, मैं स्टार्ट से ही ऐसी पागल हूँ। जबकि मेरे पास छोटा सा एक मोबाइल होता था, मैं तब से वीडियो बनाती थी। नेक्स्ट वीडियो आप देखें, आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। हमारे भाई बोल रहे हैं ये खा रही है, इसकी वीडियो बनाओ। ये सबकी वीडियो बनाती है। ये है हमारी फनी स्टाइल, ये गरीबों के खाने। तो गैस यहाँ मुझे भाई तंग कर रहे थे कि ये खा रही है तो इसकी भी वीडियो बनाओ। तो फिर मैंने कहा हाँ बना लें, मैं जब सबकी बनाती हूँ सब मेरी भी बनाएंगे। सो बस, सो गैस यहाँ पे मैं आपसे पावर शेयर कर रही हूँ, और ये इतने यमी थे ना, और 5 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। फिर एक पैकेट आया, फिर दूसरा पैकेट आया, फिर तीसरा पैकेट आया, फिर चौथा, तो ऐसे आते आते गए। और ये बहुत ही ज़्यादा यम थे, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसका जो मतलब किस तरह से ये निकलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा यम थे। इनका नाम तो पढ़ना नहीं आ रहा, ये अजीब सी लैंग्वेज में है, अगर हम वर्ड्स भी लेते हैं तो वो अजीब ही नाम निकल रहे हैं इसके। ऐसे पापड़ों के कोई नाम नहीं होते, और लेकिन इनका टेस्ट और इनका मसाला बहुत यमी था। अगर आपकी तरफ भी मिलते हैं तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, और 5 रुपये में इतनी अच्छी चीज़ मिलती है तो बस और क्या चाहिए। सो गाइस यहाँ पे लेकर आई थी मम्मा बहुत सारे कपड़े बेबी के लिए, जो हमारे न्यू बॉर्न बेबी जो हुई है उसके लिए। सो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये छोटी छोटी फ्रॉक्स इतनी प्यारी लगती हैं, ये पिंक वाली और पर्पल, पिंक और पर्पल में जो है ये इतनी क्यूट लग रही थी, रियल में बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, और इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। ये सेल होलसेल मार्केट से लेकर आई थी मम्मा। इनके प्राइस में अगर पूछेंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, ठीक है। और बाकी सारे ड्रेस बहुत अच्छे थे, बहुत क्यूट थे, और कपड़ा भी सॉफ्ट था। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था हमें बेबी के या बाबा के कपड़े मिलेंगे कहाँ पे मिलेंगे होलसेल की मार्केट में, तो मैंने उनको कहा था आप जामा क्लॉथ से ले लें कपड़े, या बॉर्डर मार्केट से ले लें। बॉर्डर मार्केट पर कोई कोई जो होते हैं वो होलसेल के प्राइस में दे देते हैं 1-2 पीस, अदरवाइज़ नहीं देते हैं। तो आप उनसे अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ले लें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बट बच्चों के ज़्यादा चाहिए नहीं होते, क्योंकि एक ही स्टाइल होता है, एक ही प्रिंट होता है, और बस कलर डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए सबको चाहिए नहीं होते 6 पीस या 12 पीस, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट ही लेने होते हैं। अगर आपको बहुत सारे लेने हैं तो आप फिर लेकर आ सकते हैं, वहाँ पे पता चल जाता है। आप पूरी मार्केट में घूम लें और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन 1 पीस दे रहा है और कौन 6 पीस दे रहे हैं। सो आप वहाँ पे जाके विज़िट कर लें। और अगर कोई और मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ और पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं उनका जवाब दे देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये गड़बड़ घोटाला वाला चैनल है। मतलब आपको यहाँ पे सब मिलेगा, यहाँ पे वीडियो भी मिलेंगी आपको, व्लॉग्स भी मिलेंगे, प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको, मार्केट के विजिट भी कराया जाएगा आपको, कुकिंग भी बताई जाएगी, मतलब सब कुछ इस चैनल में है। अब अलग अलग चैनल क्रिएट करने का इतना टाइम नहीं होता जैसे कि लोगों ने किया हुआ है, और इतना मेहनत लगती है उसमें। सो एक ही चैनल पे हमने सब कुछ आप लोगों के लिए दे दिया है, कि आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए से सब्सक्राइब कर लें आप लोग चैनल को। बस मैंने आपको बहुत पका लिया।
सो गाइस, ये जो इसको कहते हैं बाथ टॉवल कहते हैं इसको, शावर टॉवल भी कहते हैं इसको, और ये चादर है जो बच्चों को लपेटते हैं। इसके जो कान थे वो बहुत ज़्यादा क्यूट थे, और इसका जो स्टाइल था मतलब टोपा जो दिया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। और इसकी प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, मतलब इतनी एक्सपेंसिव लग रहा है, इसका कपड़ा भी सॉफ्ट है, उस प्राइस में बहुत अच्छा हमें मिल गया था। और ये अपी ही लेकर आई थी, मामा नहीं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। उसके बाद मैंने सारे ड्रेस पैक किए, और मेरे को मेरा जो जिसमें मैं कैमरा रखती हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं बच्चों की हेल्प ले रही थी। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी, जैसे कि आप हाथ देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा एक दो हाथ है कि मैं आनी के साथ काम करूँगी या मैं अप्पू के साथ काम करूँगी, तो यहाँ पे ये चल रहा था बस। तो फिर यही चलता रहता है। जाते हो ये इतने क्यूट क्यूट थे, छोटे छोटे, मुझे पैक ही नहीं करना आ रहे थे, जबकि सबसे ज़्यादा अच्छे घर में मैं पैक करती हूँ कपड़े, बट यहाँ पे मुझे पैक करने नहीं आ रहे थे क्योंकि ये छोटे छोटे से कपड़े थे। कर दिए हैं सारे कपड़े पैक, और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद भी नहीं आई होगी तो आप लोगों ने देख ली, मेरे लिए यही काफ़ी है। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, जिन्हें पसंद आई, जिन्हें नहीं आई तो उनका भी क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, आपकी अपना माइंड है, अपनी अपनी पसंद है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।